भाजपा सरकार में प्रदेश वन विकास निगम उपाध्यक्ष रहे सूरत नेगी ने 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में आए परिणाम में प्रदेश में भाजपा के हारने का मुख्य कारण भाजपा के बागियों को बताया है। तो वहीं जिला किन्नौर में भी भाजपा प्रत्याशी के हारने का मुख्य कारण पार्टी से निष्कासित बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी तेजवंत सिंह द्वारा जिला में पार्टी के कैडर में दुष्प्रचार फैलाना बताया है। भाजपा प्रत्याशी सूरत नेगी ने रिकांगपियो में प्रेस वार्ता के दौरान जिला की जनता द्वारा दिए गए परिणाम को स्वीकारते हुए कांग्रेस से ज्यादा भाजपा से बागी हुए नेता तेजवंत सिंह नेगी पर हमलावर होते हुए वे नजर आए हैं, जिसमें उन्होंने तेजवंत सिंह को विधायक रहते किन्नौर में विकास नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा सूरत नेगी ने इस प्रेस वार्ता में किसी व्यक्ति का नाम न लेते हुए एड्स जैसी गंभीर बीमारी से किसी व्यक्ति को एड्स बीमारी होने का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद लोगों ने इस वीडियो के जारी होते ही सूरत नेगी से नाराजगी भी जताई है। भाजपा प्रत्याशी सूरत नेगी ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। लेकिन आज जो हमें डैमेज हुआ है, जहां हम किन्नौर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी एक होकर पूरे किन्नौर में मुद्दों को उठाएंगे और जनहित की बातों को आगे उठाएंगे, डाउन होने नहीं देंगे। उसके साथ साथ जिन लोगों ने, जिन जो कार्यकर्ता इन दो तीन बातों के कारण गुमराह हुए हैं, उनके पास भी हम घर घर जाएंगे, उनसे अपनी बात रखेंगे। और गलत प्रचार जिस तरह से किया गया कि घमंडी हो रही, जब कुछ नहीं मिला तो घमंडी है ये यानी कि आप लोगों के जो ये प्रचार कर रहे थे उनके बारे में तो क्या क्या आरोप नहीं लगे जब विधायक रहते थे। बदतमीजी के टांगे ऊपर करके जिस तरह से वो रेस्ट हाउस में बैठते थे टेबल के ऊपर टांगे उठाकर, वो हमारे सबके ध्यान में है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि चालीसा की जिस तरह से राजनीति किया गया, क्या हमें मालूम नहीं है किन्नौर में किसी व्यक्ति को एड्स की बीमारी हुई है? हमने चुनाव में उसको भी नहीं उठाया, उसको भी नहीं उठाया। हमको लग रहा था विकास के आधार पर हमको चुनाव लड़ना है और विकास के आधार पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ये बीमारी कुकर्मों के आधार पर होता है। उसके बावजूद हमने कहा एक स्वच्छ राजनीति होना चाहिए, गलत राजनीति ना हो, इसकी ओर हमने ध्यान दिया है। और आने वाले समय के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी किन्नौर में किन्नौर की जनता के हितों को उठाएगी और किन्नौर के हितों के लिए जिस तरह से पहले काम करती रही है उन्हीं विषयों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी।